और आप देख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भारत देश जाति भेद और धर्म भेद से कैसे ग्रस्त हो गया, इसे नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। जब तक यह जात भेद और धर्म भेद जारी है, तब तक भारत देश स्वराज के लायक नहीं है। इसे प्रतिष्ठा के साथ बताकर अंग्रेज सरकार स्वराज वादियों का मुंह बंद करती थी। पहले अपने बीच की जाति और धर्म भेद मिटाओ और फिर स्वराज मांगने आओ, इस तरह ब्रिटिश सरकार ने बताकर उन्हें आज तक निरंतर हतोत्साहित किया है। जात भेद के कारण स्वराज नहीं देना चाहिए, ऐसा हमें कभी भी नहीं लगता था। जिन्हें स्वराज देना था, उन्हें जात भेद की अड़चन दूर करने के लिए जातवाद प्रतिनिधि देकर स्वराज कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन देर से ही सही, जिस सरकार को जात भेद की बड़ी रुकावट लगती थी, वही सरकार स्वराज देते समय जातवाद प्रतिनिधि देना नहीं भूलेगी, ऐसा ब्राह्मणों का डर था। और ब्राह्मण तो और बहिष्कृत वर्ग की आशा बनी थी, लेकिन मिस्टर मंगेटिव साहब अपनी मोहिनी सत्र डाले बराबर एक हीरा लगाते थे कि अब भारत देश स्वराज के लायक बन गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहते थे कि जातवाद प्रतिनिधि स्वराज के लिए घातक है। उनकी इसी मत से अंग्रेज सरकार गिर गई है। अचानक उनका यह दृष्टि के कोड कैसे बदला, इस बारे में ब्रह्मत्र और बहिष्कृत वर्ग में बड़ा आश्चर्य प्रकट हो रहा है। जो जातियाँ थीं वो समाप्त नहीं हुई है, पहले वो रुकावट बन रही थी, अब वो कौन सी विचार प्रणाली के कारण रुकावट नहीं बन रही है, या विचार प्रणाली हमें मालूम नहीं है।